यहाँ पे कोई आपका दोस्त था या कोई रिश्तेदार थे? No one. I was here by myself. कराची में आपकी क्या तनख्वाह होती? 40,000 रुपए होती? यही वजह है काम का आदमी वहाँ टिकता नहीं है। जब कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो हम ये नहीं करते कि पूरा का पूरा ट्रैफिक बंद कर देते हैं, तो हम वर्क जोन क्रिएट करते हैं। हम देखते हैं ना फ्रेयर हॉल में लाइब्रेरी है अंदर और आर्ट गैलरी है, बट बाहर टिकटॉकिंग हो रही होती है। यहाँ भी प्रिंसटन में वो प्रेगनेंसी वाला फोटोशूट हो रहा है। यार अमेरिका का तो वैसे ही ट्रैफिक इतना अच्छा है, तो फारिग तो नहीं होती सारे? नहीं, बिल्कुल फारिग नहीं होते, क्योंकि डेवलपमेंट्स होती जा रही है, ITS की तरफ जा रहे हैं। ITS इज बेसिकली इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यू नो। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? इस समय मौजूद हूँ विद अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन करम चौधरी। शी इज अ ट्रैफिक इंजीनियर NED कराची से इन्होंने पढ़ा है और प्रिंसटन में यू वर्किंग इन न्यू जर्सी, राइट? ओके, सो टेल अस लिटिल अबाउट योरसेल्फ। आपने कहाँ से तालीम हासिल की एंड हाउ डिड यू एंड अप इन US? सो बेसिकली आई एम फ्रॉम कराची एंड आई डिड माई बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम NED यूनिवर्सिटी एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग इन NED यूनिवर्सिटी एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग माई मास्टर्स, फर्स्ट मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड देन आई केम हियर। कैसे लोग ये जानना चाहते हैं, कैसे आई, वीजा कैसे लगा? ओके, सो बेसिकली आई वाज टीचिंग एट NED यूनिवर्सिटी एंड आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड आई वाज टीचिंग ट्रैफिक इंजीनियरिंग इन अ डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, राइट? सो आई वाज डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च अबाउट ट्रैफिक एंड देयर वाज अ माय एम्प्लॉयर, आई वाज हिज टूर गाइड एंड आई वाज शोइंग हिम like this is the research that I do and he interviewed me right away and he mentioned that he has a firm in New Jersey, would I be like happy to join him and then he offered me job right Achha, away. Acha, aap Karachi mein kaam kari thi aur wahan se aapko job offer hua based on your achievements? Yes. Acha, phir aap yahan pe aayi and then uske bare mein bataye kaise settle hui? Did you have yahan pe koi aapka dost tha ya koi rishtedar the? No one. I was here by myself. Acha, aur ghar walon ne nahi bola kahan ja rahi ho akeli, America hai, ye hai, wo hai? Matlab there was initially kuch tha, matlab amma was very like, you know, she's like ki nahi jana akele, kaise rahogi, but I give them confidence ke main kar sakti hu. Aur ab aapko kitne saal ho gaye yahan pe? Mujhe 3 saal ho gaye. And you're very happy, mashallah. Alhamdulillah, I'm doing good with my career and I'm doing so. Zara logon ko samjhaye traffic management mein traffic engineer ka kya kaam hota hai aur आपको हायर करने की एक वजह आपने बताया ये भी थी कि चूंकि ये कराची से थी भाई, अब जो पला बड़ा ही अमेरिका में है उसको क्या पता ट्रैफिक में फंसना क्या होता है, राउंड अबाउट में चिंची आ गई है सामने, वो क्या मसला होता है, तो दे वांटेड समवन जो उस इलाके से हो जिन्होंने ये प्रॉब्लम्स देखी हो तभी सोल्यूशन होता, यही वजह थी? Yes. अच्छा, तो एक ट्रैफिक मैनेजमेंट में क्या काम होता है? सिग्नल लगाना? Yes, सिग्नल डिजाइनिंग, रोड सेफ्टी। जब कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो हम ये नहीं करते कि पूरा का पूरा ट्रैफिक बंद कर देते हैं, वी वांट कि ट्रैफिक चलता रहे, यू नो, सो हम वर्क जोन क्रिएट करते हैं। और दुनिया भर में मैंने देखा है ये होता है कि कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो पहले वो अल्टरनेट रूट बनाते हैं और उसके बाद उसको खुदाई करते हैं, पाकिस्तान में खोद के छोड़ देते हैं। सो हम लोग डिटोर्स भी बनाते हैं ताकि आपको अल्टरनेटिव रूट मिले, ताकि आप अल्टरनेटिव रूट लें, सही है, कंस्ट्रक्शन की वजह से आपको डिले ना हो, यू नो। और जैसे कि रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं जहाँ पे बच्चों की मूवमेंट ज्यादा होती है, वहाँ पे स्पीड लिमिट का काम करना, स्कूल जोन अगर हो तो वहाँ पे ट्रैफिक आराम से जाए। अच्छा, तो यार अमेरिका का तो वैसे ही ट्रैफिक इतना अच्छा है, तो क्या ही काम होता होगा यहाँ पे? फारिग तो नहीं होती सारे? नहीं, बिल्कुल फारिग नहीं होते, क्योंकि डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं, राइट? सो हर दफ़ा कोई नई बिल्डिंग बन रही होती है, कोई नई इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नो, आ रहा होता है एंड दे वांटेड टू अपडेट द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, राइट? सो उस पर बहुत रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, ITS की तरफ जा रहे हैं। ITS इज बेसिकली इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यू नो। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई, करम से मैं मिला था लास्ट ईयर ह्यूस्टन में, और अभी फिनलैंड में जब मैं था वहाँ पे भी मेरी एक, मुझे उन साहिबा का मैं नाम भूल रहा हूँ, रियली अपोलोजाइज, हेलसिंकी में वो ड्रेनेज डिज़ाइन कर रही हैं और वो भी कराची की थी, NED की पढ़ी हुई थी। अब देखें अगर NED की वो PhD किया हुआ है, उन्होंने करम PhD करने जा रही है इंशाल्लाह, यही दिमाग अगर कराची में होते और कराची में काम कर रहे, तो कराची में आपकी क्या तनख्वाह होती? 40,000 रुपये होती? यही वजह है काम का आदमी वहाँ टिकता नहीं है, वो काम के लोगों का मुल्क ही नहीं है, वो मुल्क इसलिए कि कुछ बन जाओ तो कहीं निकल जाओ, डॉलर भेज दो, ठीक है, ताकि हमारा गुजारा हो जाए, बाकी वहाँ काम के लोगों का काम नहीं है, ऐसा ही है। क्या अपॉर्चुनिटीज होती है अगर आपकी यही, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है,
अगर आपकी यही एक्सपर्टीज होती तो पाकिस्तान में क्या फ्यूचर होता आपका? कराची के अंदर देयर इज नो कंपनी जो कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को यू नो देखे, राइट? है भी तो बहुत कम है, तो देयर इज लाइक नो अपॉर्चुनिटीज. बहुत ज्यादा टैलेंटेड है पाकिस्तान में, कराची में, बट एट द सेम टाइम सिंस के उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती ट्रैफिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, दैट्स व्हाई दे मूव आउट, यू नो. लेकिन अगर मैं कराची में होती तो मैं भी शायद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर होती और जो है ना चिंगची के धक्के खा रही होती और क्या ही हो रहा होता. अच्छा करम ने मुझे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त फाहद उस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर डैलस में होते हैं, तो करम ने भी मुझे आज ये बताया, फाहद ने भी बताया था कि उनका एक एलुमनाई का एक बाकायदा मतलब आप लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कराची में NED के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप लोग मेंटर करते हो. तो आप उसको चेकअप कर सकते हैं यहाँ पे जो NED के और दूसरे भी जो प्रोफेशनल्स हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट दैम एंड 1-to-1 मेंटरशिप होगी कि जैसे फॉर इंस्टेंस इफ़ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, इफ़ यू वांट टू वर्क अब्रॉड, तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से यू कैन इम्प्रूव योर रेज्यूमे, इंटरव्यू कैसे देते हैं, यू नो, सो ऑल द करियर काउंसलिंग थिंग्स. अच्छा करम, अभी आपने इंटरेस्टिंग बात छेड़ी कि इंटरव्यू रेज्यूमे वाली बात की, और हमारे यहाँ जैसे आपको पता है कि इतना नहीं सिखाया जाता कि भाई इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना है. आपकी ऐसी क्या लर्निंग्स थी जो कि आपको लगा कि इतनी खास नहीं थी और यहाँ आके आपको लगा अच्छा दुनिया ऐसे चलती है, वो ज़रा शेयर करें. ओके सो मुझे लगता है कि जो मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी, मैं आई एम अ क्यूरियस पर्सन, राइट, सो आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न. लाइक मैं हमेशा, मुझे, मैं एक बच्चे से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकती हूँ, राइट? सो आई थिंक माई क्यूरियोसिटी एंड ऑलवेज लाइक रेडी टू लर्न, आस्क द राइट क्वेश्चंस. So, ये सब चीज़ों ने मुझे, you know, I ended up getting this job. Right. और that's why I'm like, you know, मेरे mentor मुझे, you know, like मुझे सिखाते हैं कि कौन कौन से steps हैं, you can take that, I've set my goals, you know. Right. So, yeah, like. जबरदस्त. अच्छा अभी आपने जो बताया लीड द नेशन, तो अगर वो जो नेशन में जो पीछे बेचारे बगैर लीड के बैठे हुए हैं तो उनको अप्रोच करना होगा, तो लीड द नेशन की कोई वेबसाइट है, कोई फेसबुक ग्रुप है, एनीथिंग? वी डू हैव अ वेबसाइट. व्हाट इज इट कॉल्ड? www.leadthenation.org. ओके. यस, सो यू कैन साइन अप. अक्टूबर के अंदर हमारा फर्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है. ओके, सो यू कैन साइन अप. वी हैव यूट्यूब वीडियोस वेयर यू कैन, you know, learn about all these things, you know, how to study abroad, right, how to, you know, apply for a job, so yeah, like things like that. अच्छा अभी खैर इसको, इस thought को हम यही pause करते हैं. जैसे हम देखते हैं ना Frere Hall में library है अंदर और art gallery, but बाहर TikToking हो रही होती है. यहाँ भी Princeton में वो pregnancy वाला photoshoot हो रहा है, और करम ने मुझे बताया बहुत सारी इंडियन फैमिलीज यहाँ आती हैं, रंगीलो मारो ढोलना होता है यहाँ पे, मतलब हमने हर जगह यही काम करना है, हल्ली वल्ली. अच्छा करम मुझे ये बताइए, अभी बहुत सारे अप एंड कमिंग इंजीनियर सुन रहे हैं आपको और ख़ासतौर पे लड़कियाँ आपको सुन रही हैं, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज, क्योंकि ज़ाहिर है लड़कियों को देर मार्जिनलाइज और उनके साथ उनके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़, अगर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो परमिशन नहीं होती, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एंड आई एम श्योर बीइंग अ गर्ल यू वुड रिलेट टू अ लॉट ऑफ देम, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले आप अपने गोल सेट करें, ठीक है? व्याह करना है, बच्चे पालने हैं. नहीं नहीं, ऐसे गोल आप सेट करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे. हाँ. वो भी व्याह भी हो जाता है ना, व्याह भी हो जाएगा, बच्चे भी हो जाएंगे, बट डू समथिंग विथ योर लाइफ. दिस लाइफ इज वेरी लाइक इट्स अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने, यू नो, दिस एक जिंदगी आपको दी है, जस्ट मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. देर आर गुड पीपल आउट देयर, पुट योर सेल्फ आउट देयर, नेटवर्क पीपल, आस्क क्वेश्चंस, यू नो, लाइक लोगों को अप्रोच करें. I think this is one of the quality that I have, you know, like I also like approach people when I need help. Huh. So I don't feel shy ke mujhe to sab aata hai, you know, so I don't I always, or financial freedom bhi bahut zaruri hai. Yes, of course, that is like something which I always like vocal about, ke being financially independent, apna career, apne career goals, aur so yeah, like things. Huh. Like that. वरना भाई कोई साइकोपैथ के साथ हो जाना है भैया, फिर उसने जो है ना आपसे 200-200 रुपये का हिसाब मांगना है और फिर कुड़ती हुई जिंदगी गुजारनी है. खैर मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर टैलेंट, और मुझे लगता है और करम जैसी लड़कियों को देख के मुझे बड़ी उम्मीद फील होती है और खुशी भी होती है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट अभी भी है, बस ये मसला है हम उसको टैप नहीं कर रहे और हम उसको सही तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे. हमने जो है ना खुड्डे लाइन लगाया हुआ है लड़कियों को तो खास तौर पे, और जो है लड़कों में भी बहुत टैलेंट है. अभी दो स्टूडेंट्स हमें यहाँ मिले, प्रिंसटन में पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था और एक और स्टूडेंट था, क्या क्या बेहतरीन दिमाग है, बट अनफॉर्चुनेटली वो दिमाग फिर यहाँ आ जाते हैं जहाँ दिमाग वाली बातें होती हैं, वहाँ फिर यही होता है जो चल रहा है.
तो कंटेन करना है भाई ये सारा टैलेंट। अब ये करम हो गई, हेलसिंकी वाली बहन हो गई, अगर यही दिमाग जो है कराची के ड्रेन और कराची का ट्रैफिक मैनेज कर रहे होते, इमेजिन हम कहाँ होते, हम भी प्रिंसटन की तरह प्रिंस बन के घूम रहे होते, मगर हम तो अब इस रॉबर्ट प्रिंस बने हुए और हमजा प्रिंस बन के बस जिंदगी यही रहेगी। खैर भाई, तो प्रिंसटन में बहुत शुक्रिया करम आपका फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर द लवली टूर। बड़ा मज़ा आया और ज़बरदस्त यहाँ का एनवायरनमेंट लगा, एंड देयर इज अ रीज़न व्हाई दीस कंट्रीज आर वेयर दे आर, बिकॉज इस तरह के कैंपसेस होते हैं। और ये बाकायदा पूरी यूनिवर्सिटी है, ये जो रोड आपको लग रहा है, दुकानें हैं, ये भी यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, शहर बनाया हुआ था उन्होंने पूरा। थैंक यू सो मच करम एंड गुड लक विद एवरीथिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू, खुदा हाफिज़।